वेलकम फ्रेंड्स, माय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है आपका एनी टाइम क्लासरूम। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ले रहे हैं मई 14 से लेकर मई 20 तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वह कंपनी जिसने हाल ही में पहली बार 3 टायरों वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है वो है यामाहा कंपनी। तो यामाहा कंपनी ने 3 टायर वाले मोटरसाइकिल लॉन्च की है। अमेरिकी सीनेट से नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद खुफिया एजेंसी CIA की पहली महिला निदेशक जिसे नियुक्त किया गया वो है जीना हॉस्पेल। जीना हॉस्पेल कौन है? तो जीना हॉस्पेल CIA की पहली महिला निदेशक है जिनको अमेरिकी सीनेट ने नियुक्ति दे दी है। मौसम विभाग ने हाल ही में 20 राज्यों में इस नाम के चक्रवाती तूफान आने के खतरे की चेतावनी जारी की है, वह है सागर। तो सागर नाम से एक तूफान आने वाला है, चक्रवाती तूफान, इसका खतरा 20 राज्यों को है, भारतीय 20 राज्यों को है। तो ऐसा मौसम विभाग ने सूचना जारी किया है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है इसका नाम सागर। सागर को लेकर एक एडवाइजरी लॉन्च किया गया मौसम विभाग के द्वारा। जिस दिवंगत अभिनेत्री को हाल ही में भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में मरणोपरांत सम्मान दिया गया है वो है श्रीदेवी। तो श्रीदेवी को कांस फिल्म फेस्टिवल में मरणोपरांत सम्मान से नवाजा गया है। वह कंपनी जिसने हाल ही में लूप परियोजना पर जानकारी साझा की है वह है स्पेस एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो लूप परियोजना पर जानकारी किसने साझा किया है? तो वह है स्पेस एक्स ने। जिस नेपाली पर्वतारोही ने सर्वाधिक 22 बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया वह है कामी रीता। तो इन्होंने 22 बार सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया है, अभी तक का सर्वाधिक है। कितना? 22 बार। कौन है वो? कामी रीता। कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। ठीक है, तो अभी तक ये 22 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्री तटों तथा नदी किनारों की सफाई हेतु इतने दलों का गठन किया है वो है 19 दल। तो समुद्री तट और नदी के किनारे को सफाई करने के लिए हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने 19 दल की गठन की है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि हमारे पर्यावरण मंत्री अभी कौन हैं। ठीक है, जिस देश की सरकार ने 1 जून से वस्तु एवं सेवा कर यानी GST खत्म करने की घोषणा की है वो है मलेशियाई सरकार। यानी मलेशिया में अब 1 जून से GST खत्म होने वाला है। इंफोसिस ने बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने हेतु जितने भारतीय बैंकों के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ट्रेड फाइनेंस नेटवर्क बनाया है वह है 7। यानी इंफोसिस कंपनी है एक, आप जानते हो। तो इंफोसिस ने कितने ऐसे भारतीय बैंक हैं जिसके साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ट्रेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाया है तो वह है 7। 7 बैंकों के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ट्रेड फाइनेंस नेटवर्क तैयार किया है। ठीक है, किसने? इंफोसिस ने। कितने बैंकों के साथ मिलकर? तो 7 बैंकों के साथ मिलकर। दूर संचार विभाग ने हाल ही में इस प्रकार के सिम को मंजूरी प्रदान की है वो है eSIM। ठीक है, तो अगर आपको eSIM के बारे में डिटेल जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। क्योंकि ये देखो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज होता है उससे कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं अभी इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उन सब के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, आप जरूर देखा करो। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है यार, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आया है तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्या चीज़ है इसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पिछले वीक में आया था आपका ई सिगरेट। तो ई सिगरेट क्या होता है, उसमें कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, तो आपको ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और इंटरेस्टिंग होते हैं सर ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे आसपास हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसमें छुपे होते हैं और आपको याद आसानी से रह जाएगा। ठीक है, अब देखो आप अभी प्लास्टिक का एक सिम यूज़ करते हो, अब आ गया eSIM। eSIM क्या है, तो इसके बारे में अगर डिटेल आप जानना चाहते हो तो लिंक पे विजिट करके आप देख सकते हो। 17 मई 2018 को ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया वह है उत्तम पचरने। उत्तम पचरने कौन है ये? उत्तम पचरने, तो उत्तम पचरने ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इनका क्या नाम है? उत्तम पचरने।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा आम रोगों और प्राथमिकता वाले रोगों के निदान के लिए जारी की गई सूची का नाम क्या है? इनका नाम है आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची। तो WHO ने आम रोग और प्राथमिकता वाले रोग, इन दोनों रोगों के लिए एक सूची जारी किया है। उस सूची का क्या नाम है? उस सूची का नाम है आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची। जिस हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि कार चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना जुर्म नहीं है, यह है केरल हाईकोर्ट। तो केरल हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ऐसी बात कही, क्या अगर कार चलाने के दौरान कोई बात करता है तो ये कोई जुर्म नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी रीजन से ये थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट ने, कौन से हाईकोर्ट ने कहा है? तो केरल हाईकोर्ट ने, ठीक है। द वेल्थ एक्सप्लेनियर सेंसस 2018 के मुताबिक जिस देश में अरबपतियों की संख्या चीन, जर्मनी और भारत के कुल अरबपतियों की संख्या से अधिक है, वो है अमेरिका। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है, आपको ये तो याद रह जाएगा कि किस देश में चीन, जर्मनी और भारत के कुल अरबपतियों को मिलाकर जितने अरबपति हैं तो उन सबसे भी ज़्यादा है अरबपति किस देश में, तो अमेरिका में। ये तो आपको एक बार में याद रह जाएगा, पर क्वेश्चन आपसे ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा लिस्ट किसने जारी किया, ऐसा रिपोर्ट किसने दिया। तो ये है द वेल्थ एक्सप्लेनियर्स सेंसस 2018 रिपोर्ट। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए भ्रष्टाचार के मामले में जितने वर्ष जेल की सजा काट रही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की जमानत दे दी, जिया को जमानत दे दी, वह है 5 वर्ष। यानी कि बांग्लादेश की एक पूर्व प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था खालिदा जिया, इनको 5 वर्ष का सजा हुआ था। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट यानी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उनको जमानत दे दी। जिस अभिनेता को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म गली गुलियां के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, वह है मनोज वाजपेयी। तो गली गुलियां का एक्टर कौन है? मनोज वाजपेयी। इनको न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अब आप कमेंट में ये बताओ गली गुलियां के डायरेक्टर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह राज्य जिसका ब्रिटेन के साथ 1500 करोड़ के निवेश के लिए 10 समझौतों पर करार हुआ है, वह है हरियाणा। यानी हरियाणा का ब्रिटेन के साथ करार हुआ है 1500 करोड़ के निवेश का और 10 अलग अलग समझौता हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो शहर 2028 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा वह है दिल्ली। यानी UN ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अनुसार 2028 तक दिल्ली सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा विश्व में। अभी एट प्रेजेंट टोक्यो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। कौन सा शहर है? टोक्यो। लेकिन 2028 तक टोक्यो को पीछे छोड़ देगा कौन? तो दिल्ली। भारत ने विश्व नंबर 8 हॉकी टीम चीन को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 16 मई 2018 को 3-1 से मात देकर टूर्नामेंट में लगातार जितने मैच में जीत हासिल की वह है दूसरा। यानी भारत ने ये दूसरी जीत दर्ज की भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर, किसमें? तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में। कब? तो 16 मई 2018 को और कितने से? तो 3-1 से। हाल ही में इस जीव पर किए गए परीक्षण में याददाश्त का सफल प्रत्यारोपण किया गया, वो था घोंगा। यानी घोंगा पर एक परीक्षण किया गया जिसमें यह पता चला कि याददाश्त का सफल प्रत्यारोपण किया जा सकता है, और वो किया गया किस जीव पर? तो वो है घोंगा। वह शहर जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार पहला स्थान प्राप्त हुआ वह है इंदौर। यानी भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यह है इंदौर, ऐसा रिपोर्ट जारी किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, दूसरे स्थान पे है भोपाल और तीसरे स्थान पे है चंडीगढ़। ठीक है, ये तीन नाम आपको याद रखना है, पहला इंदौर, दूसरा भोपाल और तीसरा चंडीगढ़। वह देश जिसके पूर्व प्रधानमंत्री पर देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है वह है मलेशिया। तो मलेशिया में अभी इलेक्शन हुआ था, आपको पता है वहाँ के सबसे बुजुर्ग जो नेता थे उन्होंने जीत दर्ज की और वो PM बने। अब आप कमेंट में उनका नाम बताओ कि वो नेता कौन है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, WHO ने 2023 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट एसिड समाप्ति हेतु यह अभियान आरम्भ किया है। उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है रिप्लेस। रिप्लेस अभियान क्यों चलाया गया है? ये चलाया है खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट एसिड को समाप्त करने के लिए। किसको?
ट्रांस फैट एसिड को किसने चलाया है, तो WHO ने, और टारगेट कब कब तक का है, ये है 2023 तक। यानी WHO ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है रिप्लेस ट्रांस फैट एसिड समाप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ से। विश्व का सबसे बड़ा एम्फीवियस एयरक्राफ्ट इस देश में विकसित किया गया है, कौन सा देश है, देश है चीन। चीन में विश्व का सबसे बड़ा एम्फीवियस एयरक्राफ्ट बनाया गया है, कहाँ पे, तो चीन में। भारत और जिस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो है पेरू। यानी भारत और पेरू के बीच में क्यों समझौता हुआ है, ये हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और पेरू के बीच समझौता हुआ है। देखो एक्चुअली अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत और फलाने देश के बीच में किस टाइप का समझौता हुआ है, किस मैटर को लेकर। आपको ऐसे क्वेश्चंस को याद रखने चाहिए क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, भारत और पेरू, अब से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत और पेरू के बीच में किस मैटर पर समझौता हुआ है, तो ये हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने जिस योजना के तहत उड़ानों के लिए 967 रुपए की शुरुआती किराए की पेशकश की है, वह है उड़ान योजना। उड़ान योजना, इससे आप सब वाकिफ होंगे। ठीक है, तो इस योजना के तहत एक जेट एयरवेज कंपनी ने अपने उड़ानों के लिए जो न्यूनतम प्राइस है वो कितना फिक्स किया है, वो किया है 967 रुपए, यानी 967 रुपीज उड़ान योजना के तहत। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली आईपीएल में जितने बार 500 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, वो हैं 5 बार। तो विराट कोहली ऐसे पहले प्लेयर बने जिन्होंने आईपीएल में 5 बार 500 प्लस रन बनाए हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस राज्य में एम्स बनाए जाने को मंजूरी प्रदान की है, वो राज्य कौन सा है, वो राज्य झारखंड। और झारखंड में कहाँ बनेगा, झारखंड में बनेगा देवघर में, तो देवघर में नया एम्स खुलने जा रहा है। ठीक है, वह देश जिसके बैंक ने भारत के लिए समर्पित निवेश फंड लॉन्च किया है, वह देश है चीन। तो चीन के बैंक ने भारत के लिए समर्पित निवेश फंड लॉन्च किया है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरी करने हेतु हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है, तो एक कार्यक्रम है जिसका नाम है हरित कौशल विकास कार्यक्रम। इसको कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को देखते हुए चलाया गया है, किसके द्वारा, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को देखते हुए हरित कौशल विकास कार्यक्रम, किस चीज के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक है, वह संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 2,39,000 नवजात लड़कियों को मारा जाता है, वह है द लानसेट। द लानसेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि एक संस्था है द लानसेट, इसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें यह बताया गया कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2,39,000 नवजात लड़कियों को मार दिया जाता है। भारतीय मूल के भौतिकी के वैज्ञानिक जिन्हें 9 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो है ई सी जॉर्ज सुदर्शन। ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, और ये भौतिकी यानी फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, और इनको नोबेल के लिए 9 बार नामित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नाम है इनका ई सी जॉर्ज सुदर्शन। वह संस्था जहां निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिर जाने से 15 लोगों की दबकर मौत हो गई, वह है वाराणसी। अभी बहुत करंट में ये बहुत ज़्यादा एक दुखद न्यूज़ था क्योंकि वाराणसी में एक पुल निर्माणाधीन में था और उसका एक बीम गिर गया जिसके कारण बहुत सारे गाड़ी जो उसके नीचे पड़े हुए थे वो सारा चकनाचूर हो गया और बहुत सारे लोग घायल हुए और लगभग 15 लोगों की दबकर मौत भी हो गई। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो ये सब लापरवाही के कारण होता है। थोड़ा सा अगर काम करने वाले कंसस रहे, थोड़ा सा हमारा अगर मैनेजमेंट कंसस रहे, तो ऐसे दुर्घटना को हम लोग आसानी से टाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने हाल ही में जिसे लगातार दूसरी बार निर्विरोध स्वतंत्र चेयरमैन चुन लिया, वह है शशांक मनोहर। ठीक है,
तो आईसीएसई के चेयरमैन अभी कौन है, यह है शशांक मनोहर, इससे पहले भी यही थे और इनको निर्विरोध इस बार भी चुना गया। वह देश जिसने सर्बिया में आयोजित की गई चार देशों की अंडर 16 फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल में तजाकिस्तान को 4-2 से हराकर जीत लिया, वह है भारत। तो भारत ने सर्बिया में आयोजित चार देशों की अंडर 16 फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल में तजाकिस्तान को हराकर जीता, और कितने से हराया, तो 4-2 से। वह देश जो बिम्स्टेक 2018 की मेजबानी करेगा वह है नेपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखो। तो बिम्स्टेक 2018 का मेजबानी कौन करेगा, यह करेगा नेपाल। आरबीआई ने जिस बैंक पर जोखिम वाली परिसंपत्तियों को कर्ज देने और ऊंची लागत की जमाएं स्वीकारने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वह है इलाहाबाद बैंक। आरबीआई ने इलाहाबाद बैंक पर जोखिम वाली परिसंपत्तियों को कर्ज देने और ऊंची लागत की जमाएं स्वीकारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने, आरबीआई ने, किस पर, इलाहाबाद बैंक पर। जिस भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन ऑफ हैनोवर में फाइनल मुकाबले में टाई ब्रेकर में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वह है हीना सिद्धू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीना सिद्धू ने कहाँ पे स्वर्ण पदक जीता, तो जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ हैनोवर में, ठीक है, इसके फाइनल में टाई ब्रेकर में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किसने, तो हीना सिद्धू ने। आरबीआई ने एक आरटीआई के तहत जिस बैंक के घोटाले से जुड़ी निरीक्षण रिपोर्ट को साझा करने से इनकार कर दिया, वह है पंजाब नेशनल बैंक। तो आरबीआई ने एक आरटीआई को निरस्त कर दिया है, इनकार कर दिया है, वो किससे रिलेटेड था, वो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े जो घोटाले हुए उनसे रिलेटेड था। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13 मई 2018 को आईपीएल 11 में 47th मैच में राजस्थान रॉयल्स द्वारा धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर जितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, वह है 12 लाख रुपए। और क्यों लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने धीमी गति से ओवर फेंका था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल के तहत इन्हें अस्थायी रूप से वित्त मंत्री बनाया गया है, वह है पीयूष गोयल। स्मृति ईरानी से सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार लेकर इसे स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है। तो किनको दिया गया है, राजवर्धन सिंह राठौर को। तो स्मृति ईरानी के पास था सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार, इनको इनसे लेकर राजवर्धन सिंह राठौर को सौंप दिया गया है। कैबिनेट फेरबदल में एसएस अलूवालिया से पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री का प्रभार लेकर उन्हें कौन सा विभाग दिया गया, तो उनको दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग। भारत सरकार द्वारा ई नैम में जोड़े जाने वाली थोक मंडियों की संख्या कितनी है, तो वह है 200। 200 मंडियों को ई नैम में जोड़ दिया गया है। केंद्रीय मंत्री विजय सम्पाल ने 14 मई 2018 को जिस राज्य के फगवाड़ा में महिलाओं द्वारा संचालित देश के पहले डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की, वह है पंजाब। तो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री एक हैं विजय सांपला, तो विजय सांपला ने पंजाब के फगवाड़ा में महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किया। तो महिलाओं द्वारा संचालित पहला डाकघर कहाँ है, तो वह है फगवाड़ा में, और वो फगवाड़ा कहाँ है, तो वह है पंजाब में, ठीक है। और वहां पे क्या शुरू हुआ है, वहां पे शुरू हुआ है डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र। जापान की वित्तीय सेवा कंपनी नोमुरा, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का नाम है नोमुरा, आपको याद रखना है। तो नोमुरा कंपनी के रिपोर्ट के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मार्च महीने में सुस्ती रहने के बावजूद 2018 जनवरी से मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि बढ़कर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, वह है 7.7%। तो जापान का एक वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका नाम है नोमुरा, इसने ऐसा अनुमान किया है कि भारत का आर्थिक वृद्धि दर 7.7 रहेगा। वह देश जिसमें साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, वह है भारत। तो आपको पता होगा कि 2017-18 में बहुत बार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया भारत में, और अगर साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम का रिपोर्ट का माने तो 2017 और 18 के बीच में वर्ल्ड में सबसे अधिक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने वाला भी भारत ही है।
वह स्थान जहां अमेरिका ने पूर्व घोषणा के इजराइल में अपना दूतावास तेल अवीव से हस्तांतरित किया, वो है यरूशलम। ठीक है, अब देखो आप सबको ये पता है कि अमेरिका ने अपना दूतावास जो था उनका वो ट्रांसफर कर लिया है वहां पे, तो यरूशलम में। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ क्या गया है, वो ये पूछा जाएगा इससे पहले कहाँ था, तो वो था तेल अवीव में। कहाँ था? तेल अवीव। तेल अवीव ये इसराइल का एक जगह है, वहां पे अमेरिका का दूतावास था, वहां से इसको हस्तांतरित कर लिया गया यरूशलम। ये न्यूज़ बहुत ही हाईलाइटेड था क्योंकि अमेरिका ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है यरूशलम को एस इसराइल का राजधानी। ठीक है, बड़ी मात्रा में कर्ज में डूबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिस पर आरबीआई द्वारा नया ऋण और नई नौकरियां देने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है, वह है देना बैंक। तो देना बैंक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आरबीआई ने इस पर नया ऋण और नई नौकरियां देने पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि वैवाहिक संबंध टूटने और तलाक के बाद भी कोई महिला अपने पूर्व पति द्वारा की जा रही ज्यादती के खिलाफ इस कानून के तहत केस दर्ज करा सकती है, वह है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वह देश जिसने 13 मई 2018 को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत टाइप 001A को डालियान पोर्ट से समंदर में परीक्षण के लिए उतार दिया, वह है चीन। तो आपको विमान वाहक पोत का नाम याद रखना है, उसका नाम है टाइप 001A। टाइप 001A एक चीन का विमान वाहक पोत है, इसको डालमिया पोर्ट से समंदर में परीक्षण के लिए उतारा है चीन ने 13 मई 2018 को। विदेश से धन प्राप्त करने के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, वो है भारत। तो भारत विदेश से धन प्राप्त करने के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया का कर्जदार जो विदेशों से कर्ज लेने वाला है वो है भारत। फिच ने भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष के दौरान जितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है वह है 7.3%। तो फिच का ऐसा मानना है कि इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में भारत का विकास दर कितना रहेगा, वो रहेगा 7.3%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस देश में अरुण 3 पनबिजली योजना की आधारशिला रखी है वो है नेपाल। तो नेपाल में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 पनबिजली परियोजना का आधारशिला रखा है। रोहिणी एस मोहिते ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप के पहले दिन 40 किलोग्राम भार वर्ग में जो पदक जीता वो है स्वर्ण पदक। तो आपको नाम याद रखना है, रोहिणी एस मोहिते। रोहिणी एस मोहिते ये किस खेल से हैं? तो ये हैं जूडो से। रोहिणी एस मोहिते जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने 40 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। पाकिस्तानी खिलाड़ी मंसूर अहमद का हाल ही में कराची में निधन हो गया, वह जिस खेल से संबंधित थे वो था हॉकी। तो आपको नाम याद रखना है, मंसूर अहमद। मंसूर अहमद ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? मंसूर अहमद, तो मंसूर अहमद खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। ठीक है, मंसूर अहमद खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, और किस खेल से? ये हैं हॉकी के खिलाड़ी। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा इतनी राशि की गोला बारूद उत्पादन परियोजना को मंजूरी प्रदान किया गया है, यह है 15,000 करोड़ रुपए। यानी गोला बारूद के उत्पादन के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है भारतीय सेना को। वह टेलीकॉम कंपनी जिसका भारतीय एयरटेल के साथ विलय हो गया वह है टेलीनॉर। तो टेलीनॉर का अब भारतीय एयरटेल के साथ विलय हो चुका है। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा कविता के रचनाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया वह है बाल कवि बैरागी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। क्या है वो कविता का नाम? अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अपनी गंध नहीं बेचूंगा इस कविता का रचनाकार कौन है? यह है बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए कि आपको ये याद हो जाए। बाल कवि बैरागी ये अपनी गंध नहीं बेचूंगा इस कविता के रचनाकार हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या नाम था? बाल कवि बैरागी। इन्हें हाल ही में कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है वो? वह है कार्लोस अल्वाराडो। कार्लोस अल्वाराडो कौन है? ये कार्लोस अल्वाराडो। कौन है कार्लोस अल्वाराडो? ये हैं कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति। कौन है? कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो। तो ये था मई
2018 के 20 तारीख तक का करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।